ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वी लॉक के अंदर आपको बताया गया था कि इंडेक्स आपका रेंज परफॉर्म करेगा, रेंज बाउंड है, यानी 41,300 से लेकर 600 का लेवल। आज हमने यही देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड रही, लेकिन आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में लूट मार रही। लूट मार किस तरह से रही कि लूट बाजार गर्म था मार्केट के अंदर। कि कल के वी लॉक के अंदर खास करके आपको बताया गया था कि सेक्टर शिफ्टिंग के ऊपर आपने खास तवज्जो देनी है। आज हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में जो एक यानी जिनको डर लगता था वो डरते रहे, और जो लूट बाजार लगी हुई थी सीमेंट सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर ऊपर की तरफ गया, ऊपर के लॉक लगे। इस तरह फिर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स थोड़ा चला, रिफाइनरी सेक्टर्स चला, फिर इसके साथ स्टील सेक्टर्स, तकरीबन एक के बाद एक सेक्टर्स के अंदर शिफ्टिंग हमें नजर आई। ऑल दो अगर हम देखें तो पॉइंट्स इतने ज्यादा प्लस नहीं हुए, पॉइंट्स प्लस स्टार्ट गए, एक टाइम में 289 प्लस तक गए, और फिर बाद में क्लोज भी रहे 226 पॉइंट प्लस के साथ इंडेक्स 41,585 की तरफ। लेकिन हमने सेक्टर्स के अंदर शिफ्टिंग देखी, हमने सेक्टर्स के अंदर मोमेंटम देखा। हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर की जो कॉल दी गई अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गई, स्क्रीनशॉट भी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। टेक्नोलॉजी कॉल दी गई, मुख्तलिफ कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक आइटम के टारगेट्स अचीव होते रहे। तो इस तरह की जो सेक्टर जो आज बेसिकली देखा जाए स्टॉक मार्केट में लूट बाजार लगा हुआ था, क्योंकि प्राइस बहुत कम है मार्केट के। और सेकंड नंबर पर अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम भी आपके काफी बेहतर रहे, 229 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल 162 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप गेनर्स है और टॉप डिक्लाइनर्स है। ये टॉप गेनर्स में देखा जाए तो ये टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर रहे, जिसमें WTL, टेली, मैपलिफ, ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो मारी पेट्रोलियम, एटलस होंडा, ये आपके टॉप गेनर रहे। टॉप डिक्लाइनर में पाकिस्तान सर्विसेज एंड पार्क टोबैको रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा 87 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, तमाम सेक्टर्स में हमने तेजी देखी। जबकि मिसलिनियस के 77 पॉइंट डिक्लाइन साइड पर देखे, टोबैको, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल, इनमें हमने कमी देखी। अगर हम कंपनीज वाइज पोजीशन देखें तो हबको, चिराट, TRG, ईफर्ट, OGDC, पाइनियर, कोहार्ट, ये टॉप पे रहे, जबकि डिक्लाइन साइड पे पाकिस्तान सर्विसेज, पार्क टोबैको, दाऊद हरकुलस, ये आपके डिक्लाइन साइड पे रहे। पाकिस्तान सर्विसेज को लेके बड़ा खेल खेला जाता है कि 100 पॉइंट अचानक से गिराए जाते हैं, 100 पॉइंट अचानक से बढ़ाए जाते हैं। तो इसको खासकर जब 100 पॉइंट अचानक से गायब हो जाए तो एक नजर पाकिस्तान सर्विसेज के ऊपर देख लिया करें कि कहीं इसके अंदर कोई यानी गेम तो नहीं है, क्योंकि बाजूकत इंडेक्स को आर्टिफिशियल कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक बैड न्यूज ये थी कि जो बांग्लादेश का जो 2% है जो पाकिस्तान की करेंसी से काफी हायर जा चुका है, और पाकिस्तान 5.5 रुपए यानी 2% के बराबर है। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हालात सही ना होने की वजह से। इसके अलावा अगर हम न्यूज के ऊपर नजर डालें तो स्टेट बैंक ने जो बैंकों पर जुर्माना आयद करने का मामला मौखर कर दिया है। तहकीकात में बैंकों को डॉलर रेट बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया गया था। 8 बैंकों के खिलाफ रेट में बढ़ाने के इल्जाम की तहकीकात का यानी तहकीकात की गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का अमल रोक दिया। ये अच्छी बात है। हुकूमत और बैनुल अक्वामी मालियाती इदारे में वर्चुअल मुज़ाकरात का दूसरा ओवर शुरू हो चुका है, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। आज भी एक्सपेक्टेशन है इसहाक डार की साहब की तरफ से कि मुआहिदा इस हफ्ते के अंदर तय पा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुम्मे तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मुआहिदा हो सकता है। इसके अलावा डॉलर में आज इजाफा हुआ, देखा जाए तो मुसलसल डॉलर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब तक ये IMF का प्रोग्राम नहीं हो जाता डॉलर में इसी तरीके से अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि डॉलर आपका डॉलर की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ, रुपए की जो बेकदरी जारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी काफी सारी न्यूज थी, जिसमें एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान का अहम तरक्याती पार्टनर है, वजीर खजाना इसहाक डार, और माशी बुरान हुकूमत को विरासत में मिला है, ये इसहाक डार साहब का कहना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टी बिल के कल ऑक्शन भी हुए, जो कि हायर सेट पे हुए, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट आपकी मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म करती रही। इसके अलावा अगर हम देखें
तो रोशन डिजिटल अकाउंट 14% से यानी कि इजाफा हुआ है, जो कि हमारी यानी रिजर्व के लिए बहुत अच्छा है। ये स्टॉक्स आपके पे आउट की लास्ट डेट है, क्योंकि डिविडेंड बोनस जिन्होंने दिया इनकी ये लास्ट डेट है। इस डेट के बाद अगर आप सेल करेंगे तो आपको डिविडेंड बोनस आपको यानी कि मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरह से, अगर हम ऑयल को देखें तो ऑयल आपका यानी कि $76.77 के पास पेट करें, 11 सेंट की यानी कि इजाफा है। क्रूड ऑयल $75 सपोर्ट लेवल, अगर ब्रेक होगा तो यानी कि डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज $78 से $80 तक जा सकता है। सिल्वर और गोल्ड में इजाफा है, क्योंकि 1823 के पास गोल्ड चल रहा है, और जबकि सिल्वर जो चल रहा है $20.19 के पास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स ओवरबोट हो चुका था, गिरना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है। गोल्ड सिल्वर मजीद आपके यहाँ से थोड़े से बेहतर हो सकते हैं और डॉलर आपका गिर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल में 41,863 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,307 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 20 पॉइंट ओवरबोट के साइड पे क्लोज है, क्योंकि कल फ्राइडे है और क्लोजिंग के एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो 41,565 से अबव क्लोजिंग आनी चाहिए। और मार्केट चूंकि 41,000 अगर देखा जाए तो तकरीबन 585 से ऊपर है, 20 पॉइंट स्लाइटली ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो 1413 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे रह चुकी है। अच्छा, एक गुड न्यूज ये है कि मार्केट ने इन 3 दिनों के अंदर 41,300 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। 41,300 का लेवल आपने स्टॉप लॉस रखना है। अब इंडेक्स की जो एक करेक्शन का जो एक टाइम था वो मार्केट अपना एक लेवल क्रॉस कर चुकी है। 41,300 हमारा मेन स्टॉप लॉस है, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट करेक्शन की साइड पर जाएगी, अदरवाइज इंडेक्स का टारगेट है 41,800 से लेके 42,100 का टारगेट है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करें, हार्ड सेट पे यानी कि प्रॉफिटिंग करें। मार्केट आपकी तेजी की तरफ है, किसी किस्म का पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। मुख्तलिफ हमारे वीलॉग्स आ रहे हैं जिसके अंदर हम सेक्टर्स को भी उजागर कर रहे हैं। लास्ट हमने टेलीकार्ड के बारे में बताया कि टेलीकार्ड आपका जो है 9.5 रुपए तक जाएगा, आज अलहमदुल्ला 7.85 रुपए लॉक लगा, 7.30 का स्टॉप लॉस रखे। नेक्स्ट टारगेट 8.5 से 9 रुपए का है। कल के दिन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका परफॉर्म कर सकता है और हाई साइड पे जा सकता है, मार्केट आपकी बेहतर है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है और इंडेक्स के बारे में, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।